पंजाब के पठानकोट में स्वर्गीय पूर्व सांसद विनोद खन्ना की धर्मपत्नी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जिला पठानकोट में स्वच्छ भारत अभियान के तहत की सफाई। वहीं उनके साथ भाजपा एवं शहर के कई समाज सेवी संस्थाओं के नुमाइंदे भी मौजूद थे। और कविता खन्ना ने कहा कि स्वर्गीय विनोद खन्ना जी जो कार्य अधूरे छूट गए हैं वो उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। और उन्होंने यह भी बताया कि उनका सपना था कि नैरोगेज फाटक को वहां से शिफ्ट किया जाए ताकि शहर के लोगों को ट्रैफिक समस्या से निजात मिल सके। वहीं उन्होंने सफाई अभियान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सफाई करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है ताकि आसपास की जगह साफ रहे और हम बीमारी से बचे रहे। पेश है पंजाब से पठानकोट के संवाददाता अभिषेक शर्मा की खास रिपोर्ट। ये जो है ना, मैं समझती हूँ कि सफाई हर नागरिक की जिम्मेदारी है और ये बहुत मैंने सफाई की है। बॉम्बे में भी मैं करती हूँ और जब भी यहाँ मैं रविवार को आई हूँ मैंने सफाई की है। आज रविवार है, मैं यहाँ करी हूँ, लेकिन इस बार मैं आई हूँ और जैसे मैंने कहा कि विनोद जी के कुछ काम अधूरे रह गए, उनमें से एक था ये जो हम फाटक यहाँ है इसको, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत रुकती है वो शटलिंग की वजह से, ट्रेन्स की वजह से, इसलिए इसको शिफ्ट करना था या ओवर ब्रिज बनाना था। तो जब भी मैं यहाँ रुकती थी, हमारी गाड़ी रुकती थी, मैं देखती थी यहाँ बहुत ही ज़्यादा कचरा है। यहाँ हो काली माता मंदिर का जो फाटक है वहाँ हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहीं से शुरू करें कि इसको अच्छे ढंग से इसको साफ करेंगे। सभी देखते हैं, सभी यहाँ से गुजरते हैं, सभी को ये कचरा तो दिखाई ही देता होगा। तो अगर हम ही अपना शहर, चलो पूरी जिम्मेदारी तो लेनी ही चाहिए ना पे, लेकिन अपने घर के बाहर, अपने दुकान के बाहर, अपने आसपास जो भी आपको कचरा दिखता है ये तो आप उठा ही सकते हो, साफ कर ही सकते हो। और इसमें कोई ऐसा नहीं है, जब मैं अपना हाथ कीचड़ में डालती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है कि जो सही है वो मैं करेगा। तो आप सबसे अपील करूँगी कि अगर ये हम अभी भी यहाँ पे होंगे तो अभी तो 7 बजे 8 बजे तक तो हम 6 से शुरू किया, 8 बजे तक तो हम यहाँ पे है ही है।